इसमें इन्होंने पहले इसकी आग धोई थी, वही मादी है ना, इसका व्हाट्सएप पे भेजी थी। तो जो रिजल्ट है अब आपके सामने ही, इसका मैं वीडियो उसका ज्वाइन कर लूँगा, इसका आग धोने का, और रिजल्ट देख सकते हो इसके आग का। कितने दिन हो गए वो वीडियो पोस्ट करी थी आपने? 3 दिन हो गए ज़्यादा। व्हाट्सएप पे इन्होंने वीडियो भेजी थी, ये देख सकती इसकी आग और तबीयत कैसी है। छोड़ के बताना इसको, देख लो भाई कबूतर की चाल डाल है ना। ये भी हाथों हाथ ही वीडियो बना रही है, जो अभी पार्ट बनाया देखेंगे। इससे पहले मैं लास्ट में इसको ऐड कर दूंगा वो पार्ट को। देख लो कबूतर की तबीयत। तो एक बार आप मुझे बता दीजिए कि कैसा उपाय करना है आपका और क्या दवा दी थी। तो ये जो कबूतर था मेरा, समझ लो ये मरे दाखिल था, और इसकी इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि इसके नाक में से खून चालू हो गया, नाक में खून और मुंह में चिकट चिकट हो गया पूरा, आँख पूरी फूज गई थी, बंद आ गई थी, और ये कई दिनों से दाने भी नहीं खा पा रहा था, एकदम सुन हो गया था। देख सकते हो आप कितनी साफ हो गई इसकी। हाँ फिर क्या किया? तो करना ये है कि अपने को एक भगोने के अंदर पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा नमक डाल के बॉईल करना है, एकदम मामूली बॉईल, जैसा ज़्यादा ना हो और नमक भी थोड़ा कम मात्रा में। कितना पानी ले और कितना नमक ले? पानी जैसा समझ लो अपन ने 5 लीटर पानी ले लिया, 5 लीटर पानी में जो अपना पकाने का चम्मच आता है उसमें का आधा चम्मच नमक, पोहे खाने का, खाने का नमक और अच्छा वाला डाल के उसको थोड़ा बॉईल करके पानी को कुमकुमा करना है, और उस फिर उसके बाद में डब्बे में लेके उसके आँख को ऐसा अंदर डाल के पूरी तरह से हलाना है, क्योंकि कबूतर की आँख के अंदर खील हो जाती है बारीक बारीक। अब उसको अपन हाथ से निकालेंगे तो अपना हाथ जो है उंगली उसके आँखी में लगे ना, और उससे इन्फेक्शन और पड़ेगा, उसके आँखी में स्क्रैच पड़ेगा, तो वो उससे ठीक नहीं होगा। ये तरीका ऐसा है कि पानी में डाल के हलाने के बाद में खुद ब खुद निकल जाएगा। उसके बाद में करना ये है कि हवा लेके उसको बहुत अच्छी तरह से पूरा पोछ लेना है, पूरा चोच वगैरह पोछना है, हल्के हाथ से, हल्के हाथ से पोछना है, पूरा निकालना है। निकालने के बाद में जैसे कि आप लोग उसको फिर साइट्रोजिन भी दे सकते हैं, साइट्रोजिन के बाद में तो हम बैटनाफिन दे सकते हैं या कुछ CPM, इसमें भी आप कुछ दे सकते हैं जो एलर्जी की टेबलेट है, उसके साथ में आपको डालना है ड्रॉप, जैसे कि जोडी हो गया, सीफ्लॉक्स हो गया, और ड्रॉप डालना है। इंशाल्लाह ये अपन रात में करेंगे तो सुबह में अपने को इसका रिजल्ट मिल जाएगा, और दोबारा भी कर सकते हैं अपन, ऐसा लगा कि ऐसा आज थोड़ा कम फर्क पड़ा तो दोबारा भी कर सकते हैं, और सर्दी अगर से ज़्यादा ही है तो तुम इसके साथ में अल्ट्रोमाइसिन भी दे सकते हो, बैठना थोड़ी के साथ में सबसे बढ़िया फार्मूला है अल्ट्रोसिन, और तुम्हारी ATM किट 1300 ये बढ़िया सर्दी के लिए गोलियाँ है। कितना देना चाहिए वो? वो ये जो आती है बड़ी गोली आती है उसका चौथा हिस्सा, और बैठना सबका आधा हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया उपाय बताने के लिए। आज हमने वीडियो बनाया, बाजार में बहुत ही बीमार कबूतर थे, बहुत ही उसकी आग आ गई थी, तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी इनकी जानकारी नदीम बाबा भैया की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कुछ आपके सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, फिर से हम यहाँ पे आएंगे और वीडियो बनाएंगे। और सवाल अच्छे करिए कि इनको जवाब ढूंढने में 10 दिन लगे, मज़ा आना चाहिए सवाल जवाब देने में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भैया, और ये सुशील फाऊ है अमरावती से, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े शौकीन है भैया क्या? काफ़ी अच्छे कबूतर उड़ाए इन्होंने अभी, लेकिन कैसा बाकी तो किस्मत बाज दी है, लेकिन कबूतर माशाल्लाह 6-7 बजे तक के इन्होंने कबूतर उड़ाए, और कुछ मसला था तो चलो वो तो खैर होते रहेगा जिंदगी भरी आगे। और हमारे साथ में सागर भैया भी है इधर, बहुत बहुत शुक्रिया सागर भैया आने के लिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।